हाँ ना दोस्तों, दिस शिव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नर्डी राइडर। तो आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन है, तो सबको मैरी क्रिसमस। आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड में, यह है अपनी बाइक एकदम से रेडी। और आज का स्पेशल यह है कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ राइड करने वाला हूँ। आज मेरी वाइफ और मेरा सन मेरे साथ छोटी सी राइड करने वाला है। 10 किलोमीटर की राइड है बस, वो देखो जा रहा है। से हेलो, तो अभी निकलते हैं, पहले लेट हो गए थोड़ा। और भी हैं राइडर्स जो ऑलरेडी हमको डेस्टिनेशन में मिलेंगे। राइड शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू कर दिया आज हमने अपनी छोटी सी राइड। मेरे पीछे बैठा है गन्नू और गन्नू की मम्मी। तो ये है अपना प्यारा सा योगी धाम। अभी हम कल्याण में और जा भी रहे हैं। हम कल्याण में सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अराउंड 20-25 मिनट्स लगेंगे। आज का मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी फॉग था मॉर्निंग में, अभी तो कम हो गया है। टाइम हो रहा अराउंड 8:30, 7 o'clock पे तो बहुत ज़्यादा फॉग था। हमने सोचा था जाएँ कि नहीं जाएँ, बट 8 o'clock के आसपास फॉग पूरा हट गया। बट मौसम अभी थोड़ा ठंडा है, तो चलो होके आते हैं। तो आज की राइड बेसिकली AOG राइडर्स के साथ ही है, बट वो लोग ऑलरेडी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन कल्याण पे था और राइड का जो स्टार्ट पॉइंट था वो था थाने। तो मैंने सोचा क्यों थाने जाके वापस आना, तो मैंने सोचा चलो वाइफ के साथ ही छोटा सा एक राइड करते हैं। ये अपना प्रेम ऑटो का सिग्नल। तो अराउंड 30 राइडर्स होंगे जो पहुंच गए ऑलरेडी, हम थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं। पहले हम थे कल्याण वेस्ट में, अभी ये है कल्याण ईस्ट। आज आपको पूरा कल्याण का दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी शॉप भी है, यहाँ से आगे से ये वाला जो राइट जाएंगे आप, राजा राम पाटिल नगर, ये एरिया का नाम है काका का ढाबा, और आगे है गणेश चौक, ये राइट में। तो यहीं पे अपनी शॉप है, गारमेंट शॉप है शिवानी टिप टॉप कलेक्शन, काफ़ी अच्छा कलेक्शन, आके आप ख़रीद सकते हैं। अगर मेरा नाम लेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा ना अपनी शॉप का। अभी थोड़ा दूर और रह गए हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सिटी के अंदर की राइड थी, इसीलिए मैं अपनी वाइफ को और बेटे को लेके आया, वरना मैं नहीं लेके आता। और यहाँ पे भी देखिए फॉग ज़्यादा है, एक्चुअली थोड़ा आउट में है ये एरिया, इसीलिए यहाँ पर फॉग ज़्यादा है। गन्नू मस्त पीछे एंजॉय कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है अलग अलग। मैं फॉग देख रहा हूँ भाई साहब, बहुत ही तगड़ा वाला फॉग है ये तो। ये जो रोड है एक्चुअली हाजी मलंग का रोड है, वहाँ भी जाएंगे एक दिन। अभी तक मैं गया नहीं हूँ हाजी मलंग, कल्याण में होके भी नहीं गया हूँ। लोग दूर दूर से आते हैं, एक्चुअली वो दरगाह है एक, वो ऊपर देखो सूरज अलग ही कलर में हुआ है एकदम। यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट, यहाँ से थोड़ी दूर 1 मिनट पे अपना डेस्टिनेशन आ गया। डेस्टिनेशन तो यहीं कहीं दिखा रहा है, स्लो डाउन करके देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा सी फूड अड्डा। ओके, सी फूड अड्डा तो बंद है। हाँ यही तो होना चाहिए,
पता नहीं कौन सा फोन करता हूँ, रुको। हाँ भाई कहाँ पे हो? डेस्टिनेशन पे ना, सी फूड अड्डा था ना। अच्छा वो लोकेशन भेजो ना अपना। चलो यही राइड है आई थिंक। सुमित भाई ने कहाँ रखा है जंगल में लोकेशन? ऊपर है। आ गया आ गया आ गया। मजा आ रहा है गन्नू को। आ गए सुमित भाई देने के लिए। क्या लोकेशन चूज किया भाई? चढ़ के मतलब मुझे उतार दो पहले। चलो लेट होगा ना काफी। तो उसके लिए एकदम सही माहौल है, एकदम सही मौसम है। ये अपना अड्डा। क्या बोलते हो? जग रहे, सो रहे। जग रहा है। हेलो। फोटो शूट हो गया ख़त्म, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। थोड़े बहुत जो भी क्लिप थे वो तो मैंने आपको दिखा दिए। अभी यहाँ से जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ये भाई विवेक भाई हैं जिन्होंने वैली रन में पार्टिसिपेट किया था, पूरी मॉडिफाई की थी भाई, कभी फिर से पैक कर ली। धूप निकल आई है तो थोड़ा धीरे धीरे गर्म हो रहा है मौसम। गन्नूक ने तीन तीन कपड़े पहने हुए हैं, अभी उसका एक कपड़ा रिमूव करना पड़ेगा ना वो चिल्लाने लगेगा, गर्मी लग रही है। तो रेस्टोरेंट पे पहुंच के उसको कंफर्टेबल करते हैं। रेस्टोरेंट वही था जहां हम पहले रुके थे, वो थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन की वजह से मैं पहले ही रुक गया था वहाँ पर। अड्डा यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। गन्नू सो गया। बाइक्स बाहर हमने पार्क कर दी एकदम लाइन से।
स्टूडेंट सेकेंड ईयर और ये इनका फर्स्ट राइड है। ये बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट राइड मतलब जस्ट ऐड करके बंदा आ गया है पहले राइड में हमारे साथ में। अभी स्टिल नो मूवी। हाय एवरीवन, दिस इज साहिल, साहिल सावन। मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली गेम डेवलपमेंट और वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी जो होता है उस पर काम करता हूँ। तो फर्स्ट राइड एक्चुअली कल ही ऐड हुआ था मेरी। एक और यूट्यूबर है। नहीं मैं तो बस शुरू कर रहा हूँ। सारे शुरू कर रहे हैं। हमारा एक है ग्रोन, कहाँ गया स्टार अपना, बोला लोकेश। दो ग्रोन है, दूसरा है वो है, दूसरे है भाई नर्डी राइडर। दूसरे अपकमिंग एक दो और कौन है नर्डी नर्डी राइडर। शादीशुदा है बराबर बोलो यार, एटलीस्ट आज के राइड में तो कंट्रोल करो। नेक्स्ट राइडर बोलो, कपिल सी योर नेक्स्ट राइडर। दिस इज अनीश, आई एम फ्रॉम डोंबिवली। दिस इज with AOG my third ride. No. First we were done, or फिर एक breakfast ride पे मैं आने वाला था, but unfortunately that day. IBW तो आए थे ना? हाँ, IBW was still, but I didn't get any. Location बोल सकता मैं। Race के लिए जा रहा हूँ, मेरा run है ऊपर, और नीचे वो oil cap उड़ गया और गाड़ी से oil गिर गया। उसके बिना race नहीं हो सकता। मैं गाड़ी जैसे तैसे D-Max पे load करके ऊपर लेके गया। ऊपर जाके run कैसे करेंगे? ये लोग आए वहाँ पे, ये बंदा सीधा मेरे साथ बाइक लेके अंदर है, इसका ऑयल कैप निकाल के मेरे बाइक पे लगा और इसकी वजह से मेरा रेस हुआ। कमेंडेबल है भाई, फर्स्ट टाइम कोई पहली बार नहीं कर रहा बंदा। मुझे पर्सनली जानता भी नहीं था। नेक्स्ट राइड 250 माफ 500 भरेगा विन बाय डेविड, विन बाय डेविड 500 लैप पर विवेक हेल्प कर दो ना 250 माफ कर। मोशन राइड। माझं नाव सतेज पाटील, मी अलिबागून आहे। एओजीसोबत चौथी राईड आहे माझी, तीन राईड मिस झाल्या। सिव्हिल इंजिनियर आहे मी आणि वेडिंग फोटोग्राफर पण आहे। ये बंदा अलिबाग से यहाँ पे आ रहा है राइड के लिए, वो सोचो वो ऑलरेडी एक राइड है। एओजी अलिबाग अलिबाग चालू करो, वी आर इन प्रोग्रेस, लगा इन प्रोसेस। हम लोकेश पिंपले, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और यूट्यूबर हूँ। मेरा एओजी के साथ बहुत सारे राइड्स हुए एंड हर नई राइड में एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, और मतलब जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बेटर होते जा रही है हर एक राइड, तो अच्छा है। बस बस पूरे पैसे मिले, देखो पूरे पैसे मिले। 250 मार्क्स। Oh, oh. Oh. Fully vaccinated. Fully vaccinated. Hi, my name is Mobin. मैं last year December में first ride किया था, तो first time ride हम लोग इधर पूरी गए थे। तब से लेके regular आ रहा हूँ, पर बीच में कभी कभी नहीं आ पाता हूँ, difficulty होती है। किस friend को ना बोलूँ, हुमान को, विवेक को ना बोलूँ, कि एक्सपल्स के friend को ना बोलूँ, कि बुलेट के friend को ना बोलूँ। Multiple bikes. तो अपन सबसे favorite group मेरा यही है। वक्त ही नहीं है इनके पास, ऐसे ऐसे सब ग्रुप में बोलते हैं। जितना एक्टिव एओजी है उतने दूसरे ग्रुप्स नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये लोग महीने में एक राइड या दो महीने एक बार करते हैं। ठीक है, ये पाप मेरा मंगा रहे हैं। मार्शल शिव और मेरी वाइफ अंकिता और मेरा बेटा अद्विक विनीत। तो एओजी के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 6-7 राइड्स किए मैंने शायद से, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमेशा मन करता है राइड पे जाने का, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पर्सनल वर्क आ जाता है तो नहीं जाता। तो आप बाकी वाइफ से पूछिए कैसा लगा पहली राइड थी उनकी। अच्छा था, काफी अच्छा था। हमेशा स्टोरी सुनती थी सबके बारे में, आपके बारे में पता है, आपके बारे में पता है, सबके बारे में पता है।
और एक तो मे भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो उनके बारे में नहीं होगी नाम में नहीं ना फोन आता है ना तो मैं एंड अनुमान भाई का तो वो मालूम पड़ जाता है कि हाँ इनका फोन आ रहा है तो लाइक आई नो देम तो दिस इज गुड नहीं अच्छा अच्छा बताया बुरा बुरा नहीं बताया कुछ अच्छा मतलब अभी तक हमेशा मतलब कभी कभी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से फैमिली है क्योंकि हमारी उसकी वजह से कभी कभी मैं रोकती थी बट दिस इसलिए बोला कि चलो पास में है वी कैन गो बच्चा लेकर के तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है बट अभी आए तो इट्स ओके द एनवायरनमेंट एंड द वाइब इज वेरी गुड That is more important. I feel it, well, I'm not a rider and Thank I don't everyone. Like riding bikes. Long time ke liye I can't ride. Yeah, maximum yahan se Pune tak gayi hum to and fro bus. So that itna hi bear kar sakti hu but this is good. Matlab I will support him. Matlab. Chalo abhi jaane ka time hoga nikalte hain yahan se. तो ये था हमारा छोटा सा स्वीट सा राइड विथ फैमिली। आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये राइड। एक्चुअली इसका पर्पस मेरा ये था कि वाइफ को एओजी के ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस कराना था कैसे ये सब होता है। सुबह एकदम फॉग था, अब एकदम कड़क धूप है। यहाँ पे मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कैसा भी हो जाता है। चलो अभी यहाँ पे हमारी एक शॉप है गारमेंट की जो मैंने आपको पहले बताई थी, वहाँ पे जाने का प्लान है। वहाँ जाते हैं फिर उसके बाद घर जाएंगे। दिस इज़ द गणेश चौक मार्केट। का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। कैसा भी लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।